एन फ्रैंक की डायरी आज कर रहे हैं इसके प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया इरा इहरवुड्स की इस टिप्पणी के संबंध में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। एन फ्रैंक की डायरी में उसका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं अपितु 60 लाख यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों की जीवंत कहानी है। यह लड़की ना संत है और ना ही कवि है, अपितु भूमिगत परिवार की एक सदस्य है जिसमें असाधारणता के कोई लक्षण नहीं हैं। इसके बावजूद भी यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। इलिया इहरवुड्स की यह टिप्पणी एकदम सटीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह की यातनाएं देकर भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, उन सब बातों का चित्रण एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है, लेखिका ने अपनी डायरी में किया है। उनके डर का आलम यह था कि ये लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे, भूमिगत आवासों में रात में चंद्रमा और दिन में सूर्य देखना भी इन्हें वर्जित था, बिजली का भी कोटा था, राशन की कमी रहती थी, बंद कमरों में ब्लैकआउट वाले पर्दे लगे हुए थे जहां इनको अपने दिन और रात बिताने पड़ते थे। उनके लिए चोर उचक्कों से अपने सामान को बचाना बहुत ही कठिन कार्य था। ये लोग फटे पुराने घिसे पीटे जूतों से ही अपना काम चलाते थे और हमेशा युद्ध के डर से कांप-कांप उठते थे। अतः यह कहना उचित है कि यह कहानी एक परिवार की नहीं अपितु 60 लाख लोगों की पीड़ा है। प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? यह सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी लेखक अपने आत्म अनुभव के लिए डायरी लिखता है। यदि कोई लेखक अभिव्यक्ति किसी को कहकर प्रकट हो जाती है तो वह लिखने की आवश्यकता ही नहीं महसूस करेगा, परंतु यदि उसे सुनने वाला कोई गंभीर श्रोता ना मिले तो वह लिखकर या कल्पित पात्र गढ़कर अपनी बात कहता है। और यही बात इस डायरी की लेखिका के सामने भी है, यानी वह अपनी स्थिति का बयान नहीं कर पा रही है बोल करके, इसलिए लिखकर उसने ये सब उसकी समस्या जो है उसका वर्णन किया है। एन फ्रैंक 8 सदस्यों के समूह में सबसे छोटी उम्र की है। मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल प्रायः उसके विषय में नुक्ताचीनी करते रहते हैं, अतः इनको भी उनसे नफरत है। उसकी मम्मी भी उसके लिए उपदेशिका बनकर रही हैं। इन 7 सदस्यों में से पीटर से उसकी पटरी बैठती है, किंतु पीटर से बातचीत करना उसको सरल नहीं लगता है। तो ऐसे में भूमिगत बंद कमरे में एक किशोरी क्या करे? वह प्रकृति को देखना चाहती है, यानी बाहर की दुनिया को देखना चाहती है, लेकिन यह उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वह बाहर की दुनिया को देख नहीं पा रही है। वह जाना चाहती है बाहर घूमने, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वह बाहर जाए, क्योंकि उन्हें बंद कमरों में रहना पड़ रहा था युद्ध के डर से। तो ऐसी सिचुएशन में वह अपनी बात किससे कहे? उसकी बात को गंभीरता से समझने वाला भी कोई नहीं है, अतः वह अपने उद्गारों को डायरी के माध्यम से लिखती है। एक डायरी बना रखी है उसने, उसमें वो अपना सब लिखती है। प्रश्न है, प्रकृति
या डायरी के पन्नों के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। तो एन के शब्द क्या हैं? एन यह मानती है कि पुरुष अपनी शारीरिक क्षमता के कारण नारियों पर शासन करते हैं। वह यह मानती है कि नारियों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। वह युद्ध में लड़ने वाले सैनिक से कम नहीं है। औरतों ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण कष्ट और उपेक्षा सही है। औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। एन यह तो नहीं कहती कि औरतें बच्चों को जन्म देना बंद कर दें, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि औरतें यह कार्य करें। यह सत्य है कि अशिक्षित और ग्रामीण समाज में अभी भी स्त्रियां पुरुष के शासन में रह करके कार्य करती हैं, यानी पुरुष प्रधान समाज है। शताब्दी बदल चुकी है। भारत जैसे परंपरावादी राष्ट्र में भी औरतों की स्थिति में बदलाव आया है। यह सत्य है कि अशिक्षित और ग्रामीण समाज में अभी भी स्त्रियां पुरुषों के शासन में रह कर के कार्य करती हैं, किंतु शिक्षित समाज में स्त्री की स्थिति पुरुषों से भी बेहतर है। वह घर, परिवार, समाज, समूह, राष्ट्र सभी जगह समान पा रही है। अब बालक पैदा करने या ना करने का अधिकार नारी ने अपने हाथ में ले रखा है। अतः एन की डायरी में जो वर्णित किया गया है, जो बात बताई गई है, उस समय की तुलना में भारतीय नारी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। प्रश्न है, किटी की डायरी को ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों माना जाता है? या डायरी के पन्नों के आधार पर बताइए कि डायरी उसके सुख दुख का भावनात्मक दस्तावेज भी है। उत्तर इस प्रकार से है, डायरी लेखक का अपने जीवन की गाथा लिखता है तो उसके आसपास का वर्णन भी स्वाभाविक रूप से होता है। एन एक सामान्य सी लड़की है। वह अपने निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का वर्णन करती है, किंतु वह जहाँ रह रही है वह स्थिति सामान्य नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का भयावह समय है। जर्मनी ने हॉलैंड पर अधिकार कर लिया है और यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख दुख और उथल पुथल जो है उसके साथ ही ऐतिहासिक घटनाएं भी आ जाती हैं, जैसे अज्ञातवास में जाने का बुलावा, आवास में जर्मनों के भय से दिन रात अंधकार रखना, युद्ध के अवसर पर राशन पानी का अभाव, टर्की की तटस्थता की घोषणा, ब्रिटेन से हॉलैंड को मुक्त कराने के प्रयास और हिटलर का सैनिकों से साक्षात्कार। एक एक दिन में 350 वायुयान 550 टन गोला बारूद बरसाते हैं। कुछ डच नागरिकों की ब्रिटेन के बारे में सोच आदि घटनाएं ऐतिहासिक दौर की जीवंत घटनाएं हैं जो डायरी में बताई गई हैं। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी प्रश्न है एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी के रूप में क्यों लिखी होगी? किट्टी को संबोधित करके उसने क्यों लिखा अपनी डायरी को? किट्टी को संबोधित करके अज्ञातवास में 8 सदस्य रह रहे हैं। 8 सदस्य हैं वहाँ पर, 8 सदस्य रह रहे हैं। एन उसमें सबसे छोटी उम्र की बच्ची है और उसकी आयु ऐसी है जब भावनाओं का वेग बहुत अधिक होता है। उसे किसी के साथ बतियाने की इच्छा नहीं होती है। इन सदस्यों में कोई भी उसकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है और वह अपने भूमि में अंदर जो उसका आवास बना हुआ है कमरे अंधेरे कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती है। इन 8 सदस्यों की बातचीत के विषय ऐसे होते हैं जिनको वह कई बार सुन चुकी होती है। मिस्टर डसेल और मिसेज वान दान उसे प्राय प्राय तरह के आरोप लगाते रहते हैं। उसकी मम्मी भी उपदेश करती रहती है। ऐसे में एन क्या करे? विवश होकर वह अपनी गुड़िया किटी से बतियाने लगती है। उसकी यह बातचीत ही डायरी के पन्ने बन गए हैं। डायरी के पन्ने वे चिट्ठियां हैं जो उसने अपनी गुड़िया
किट्टी को लिखी थी जिससे वो खेलती थी। तो इस प्रकार से किट्टी गुड़िया को उसके लिखे गए डायरी के पन्ने जो हैं वो ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं।